हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, शहनाज दे रही हैं अपनी मम्मी को आशीर्वाद। जी हाँ, अपनी माँ ही माँ होती है और अपने बच्चे ही अपने बच्चे होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे ट्वीट्स देखने को मिले। क्यों देखने को मिले वो भी बताएंगे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे दिन पर भी लोग नेगेटिव ट्वीट्स करने से बाज थोड़ी ना आएंगे। क्योंकि होता है ना कि ऐसा करोगे तो उसमें भी गलती निकालेंगे, वैसा करोगे तो उसमें भी गलती निकालेंगे। एक्चुअली शहनाज ने क्यूट क्यूट सी पिक्स शेयर करी। आप सभी जानते हैं मदर्स डे है, सभी फैंस को, पूरी शहनाज फैमिली को हैप्पी मदर्स डे। सब अपनी मम्मियों को खुश रखें, कम से कम एक दिन तो ऐसा हो उन्हें स्पेशल फील कराएं, वरना वो ही हमेशा बच्चों को स्पेशल फील कराती हैं। तो गाइस, अपनी फैमिली से थोड़ा वक्त निकाल कर, कुछ अपने बाबू शोना से वक्त निकाल कर अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल सा करें। और कुछ भी नहीं, अगर उनसे 5 मिनट बैठ के आप अच्छे से, मतलब कुछ दिल की बातें भी कर लेंगे ना, शेयर कर लेंगे, एक कोई अच्छे से इंसिडेंट के लिए उन्हें थैंक भी बोल देंगे ना कि आपने ऐसा किया था मेरे लिए, तो वो तो उसी में खुश हो जाएंगे कि मेरे बच्चे को वो चीज़ अच्छी लगी, या मतलब उसको लगता है कि हाँ मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। तो चलिए, ये तो बात रही मदर्स डे की भाई। और शहनाज ने तो ऑफकोर्स अपनी मम्मी के साथ पूरा डे स्पेंड किया होगा, उन्होंने पिक्स भी शेयर किए हैं। अब बात करते हैं नेगेटिविटी क्यों हो रही है। शहनाज कभी भी रीता आंटी को, सिद्धार्थ की मम्मी को मदर्स डे विश क्यों नहीं करती है, कभी भी कोई भी पिक शेयर नहीं करती हैं, मतलब कोई भी अच्छा सा जेस्चर नहीं दिखाती हैं। फिर साथ में ये ट्वीट्स आने लगे कि अपनी माँ ही माँ होती है और अपने बच्चे ही अपने होते हैं। मतलब एक तरह से कि शहनाज क्योंकि उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दी, पिक्स वगैरह शेयर नहीं करी, तो वो वाली बात आ गई, अपने बच्चे अपने ही होते हैं और अपनी माँ ही अपनी होती है। कि भाई अपनी माँ, वो दूसरी साइड से आ रहे हैं कि रीता माँ ने कुछ, रीता आंटी ने कुछ ऐसा गलत कर दिया शहनाज के साथ। तो ये कोई एक तरफ की बात नहीं है, नेगेटिविटी दोनों साइड से ही होती है। फिर काफ़ी सारे लोग वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं, तो कोई नेगेटिव ट्वीट करेगा तो कोई उसका जवाब नेगेटिव ट्वीट से ही देगा। ये नहीं देखेगा कि उसकी मानसिकता ही ऐसे, उसको छोड़ दो। जितना आप नेगेटिविटी पे रिप्लाई करोगे उतना नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर आप एक ट्वीट को ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो समझो कि आपने नेगेटिविटी को हरा दिया, लेकिन आप उस पर रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो रिप्लाई कर रहे हैं उनको भी नेगेटिविटी से ही मतलब है। वो इतने सारे अच्छे ट्वीट्स को छोड़कर उन नेगेटिव ट्वीट्स को ढूंढ ढूंढ के एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। रही बात रीता आंटी की पिक्स वगैरह ना शेयर करने की, तो भाई हुआ ही उसके साथ कुछ ऐसा है कि उसको तो सब कुछ दिल में दबा कर रखना पड़ा, क्योंकि उसने पहले कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, इनफैक्ट सिद्धार्थ के साथ भी कोई भी इस तरह की पर्सनल पिक शेयर नहीं की थी। तो उसने उसके जाने के बाद भी उस चीज़ को अपने अंदर ही रखा है, रेस्पेक्ट रखी है। शेयर करती तो कहते फुटेज के लिए कर रही है, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कर रही है, नहीं करती तो रेस्पेक्ट नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ें दुनिया को दिखाएं। हर चीज़ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती। ये शहनाज के नहीं, बहुत सारे लोग अब ऐसा करने लगे हैं। मतलब वो रिलेशनशिप में रहते हुए भी कोई भी एक दूसरे के फैमिली की, इनफैक्ट अपनी भी कोई भी पर्सनल चीज़ें शेयर कभी नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट से अलग लोग अब बहुत कम लोग रह गए हैं जो चीज़ें शेयर करने लगे हैं, क्योंकि ये जो बढ़ती हुई नेगेटिविटी है उसकी वजह से। ओके गाइस, थैंक यू।